फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास चैप्टर 8, जिसका नाम है चतुर्भुज। इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। चार रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी हमने परिभाषा और डेफिनेशन सारी आपको समझाई, अब इसके सवाल को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट प्रश्न। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। दर्शाइए या न सिद्ध कीजिए। दर्शाइए दिया है, दिया है एक चित्र। पहला, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देख रहे हैं आप लोग बेटा स्क्रीन पे कि ए बी सी और डी ये एक चार रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये है इसके विकर्ण ए सी और बी डी। ए और सी, देखिए ए सी और बी और डी ये विकर्ण कहलाते हैं। एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद या समद्विभाजित करते हैं, जहां सी ओ डी बराबर 90 डिग्री है। सी ओ डी और AO बराबर CO, मतलब AO जो भुजा है CO भुजा के बराबर है, तथा DO भुजा DO के बराबर है। अब सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है कि ABCD एक आयत है। प्रमाण या उपपत्ति, यानी इसका आंसर या सॉल्यूशन, त्रिभुज AOB और ACOD में। देखिए जब ये समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इसमें दो त्रिभुज निर्मित होते हैं, AOB, एक ये त्रिभुज, दूसरा COD, CO और ये D, ये निर्मित हो रहा है। अब AOB में AO बराबर CO, दोनों त्रिभुजों की तुलना हो रही है, तो दोनों त्रिभुज की तुलना भुजाओं से की जा रही है। देखिए AO भुजा CO भुजा के बराबर है, भुजा AO बराबर भुजा CO, ठीक। नेक्स्ट DO, दूसरी भुजा ले लीजिए, DO बराबर भुजा DO के बराबर, ये क्या है, दिया है क्वेश्चन में है। अब कोण AOB COD ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अतः SAS सर्वांग समतल नियम से, SAS का मतलब होता है भुजा कोण भुजा, यानी हमने इसमें दो भुजाएं ली हैं और एक कोण लिया है, ठीक। तो ये सर्वांग समतल नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग सम है COD के। सर्वांग सम का चिन्ह इस प्रकार होता है, त्रिभुज COD। अब AB बराबर है CD, तथा कोण BOA बराबर है कोण DCO के, ये क्या कहलाता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण पढ़ चुके हो आप लोग, जो Z की आकृति का बना होता है। अतः AB समांतर है CD के, ये चिन्ह कहलाता है समांतर, ठीक। अतः समीकरण 1 और 2 से ABCD समांतर चतुर्भुज है। यदि किसी चतुर्भुज की समभुजा का एक युग्म बराबर एवं समांतर हो तो यह समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहाँ से ये नेक्स्ट जो है दूसरा जो है प्रमेय चालू होता है, AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की समभुजा बराबर होती है। अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में AO और CO दिया है, भुजाएं होती हैं, DO बराबर DO ये हो गए उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा, ये भी एक भुजा है, ठीक। इसीलिए कोण AOD बराबर कोण COD ये 90° समकोण होता है। अतः SAS प्रमेय से, यानी साइड एंगल ऑफ साइड, इंग्लिश साइड एंगल ANGLE एस साइड DE, इस प्रमेय से ये हो जाएगा त्रिभुज AOD सर्वांशम हो जाएगा COD के। अतः AD बराबर सी डी के समीकरण।
एबी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी, चार भुजाएं जो है वो एक समान होगी और वह होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर संपूर्ण पर संविभाजित करते हैं। दिया है एबीसीडी वर्ग, ठीक, ए बी सी और डी, ये एक वर्ग है जिसके प्रत्येक विकर्ण ए सी तथा बी डी, ए और सी ये विकर्ण होते हैं, बी डी दूसरा विकर्ण होता है, बी से डी जाएंगे तो ये विकर्ण है। एक दूसरे को ओ पर विच्छेद करते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ओ, ए ओ जो एक भुजा है वो सी ओ भुजा के बराबर है तथा बी ओ भुजा डी ओ भुजा के बराबर है। पहला दूसरा सिद्ध ये करना है कि ए ओ बी बराबर है 90 अंश, इसकी जो वैल्यू है 90 अंश, प्रमाण यानी आज का सॉल्यूशन है। अब दो त्रिभुज ये डिवाइड हो गए, ठीक, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ठीक, अब दोनों में जब तुलना करेंगे तो AO बराबर AB बराबर CD के होगा, ठीक, ये भुजा होगी वर्ग की। दूसरा कोण BAO बराबर DCO, ये एकांतर कोण होगा, देखते हैं BAO है ना, BA और O ये होगा कोण DCO के, DC और O, ठीक, तो एकांतर हो गया। तीसरा आता है कोण AOB बराबर कोण COD के, शीर्षावलोकन कोण, अतः ASA से। अब हमने यहाँ पे देखो एक भुजा ली है, दूसरा एक कोण लिया है जो एकांतर कोण है, तीसरा लिया है कोण, ये शीर्षावलोकन कोण है, तो भुजा कोण और भुजा से ये ASA मतलब कोण भुजा और कोण से, यानी दो कोण और एक भुजा हुई, से समांतर नियम से त्रिभुज जो है वो समांतर होगा AOB बराबर त्रिभुज COD के, अतः AO बराबर CO तथा BO बराबर DO, पुनः त्रिभुज AOB बराबर तथा त्रिभुज DOC में फिर से तुलना करेंगे हम ए ओ बी और बी ओ सी, तुलना करेंगे ए बी बराबर बी सी वर्ग की भुजा है, भुजा यानी साइड, फिर बी ओ बराबर बी ओ उभयनिष्ठ भुजा ली है ये भी, तीसरा ए ओ बराबर सी ओ ये भी भुजा, यानी ये कितनी तीन भुजाओं से सर्वांगसमता नियम से एस 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 मतलब भुजा भुजा और भुजा, तो कहते हैं साइड साइड और साइड, ओके, इससे हो जाएगा त्रिभुज एओबी सर्वांगसम त्रिभुज बीओसी के, अतः त्रिभुज एओबी बराबर कोण सीओबी के। अब कोण AOB प्लस COB बराबर 180 अंश रैखिक युग्म से, इसलिए कोण AOB प्लस COB के स्थान पे AOB लिखेंगे यहाँ बराबर 180 अंश, दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 कोण AOB बराबर 180 अंश। अब AOB का जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कोण AOB बराबर 180 बाय 2, इसको कैंसिल करेंगे तो यह जाएगा 90 डिग्री, तो कोण AOB 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ कर। अगला प्रश्न है
इम्पोर्टेंट दर्शाइए कि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर संधि विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क के लिए यह दिया है एक एबीसीडी चतुर्भुज जिसमें विकर्ण एसी और बीडी बराबर है और एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं जहाँ AO बराबर CO तथा BO बराबर है DO। अब सिद्ध करना है, प्रूफ करना है एबीसीडी चार वर्ग है, प्रमाण या उपपत्ति त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में AO बराबर CO दिया है। AO और जो CO है ये क्या है, जो है विकर्ण की भुजाएं। ओके, तो बड़े ये होमवर्क है आप लोगों को, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ये इसको लिख के लाइए। थैंक यू सो मच।